हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर हॉट डॉग। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाता है। तो अगर एक बार आप इसे ट्राई कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको इसका टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इसे रेगुलर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेस्टी पनीर हॉट डॉग को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बोल। अब इसमें हम डालेंगे एक प्याज टुकड़ों में कटा हुआ, एक गाजर बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्च टुकड़ों में कटा हुआ, एक कप पनीर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, दो टेबल स्पून उबला हुआ कॉर्न, दो टेबल स्पून पिज्जा सॉस, आधा टी स्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टी स्पून चिली फ्लेक्स, आधा टी स्पून ऑरिगेनो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मोज़रेला चीज़ को क्रश करके डालेंगे। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैं दो हॉट डॉग बना रही हूँ जिसके लिए मैंने लिए हैं दो हॉट डॉग बन। इसे कट करने के लिए चाकू को इस तरह से चलाएं कि पूरा कट ना हो, इससे हमें बीच में कट मिल जाएगा। और ये देखिए नीचे से ये जुड़ा हुआ है। और अब जो ब्रेड के बीच में गैप है उसमें हम मेयोनीज लगाएंगे। मेयोनीज लगाने से ब्रेड क्रीमी और बहुत सॉफ्ट रहेगी, जिससे जब हम हॉट डॉग खाएंगे तो ब्रेड में सूखापन नहीं रहेगा। और अब हम इसमें पनीर की फिलिंग भरेंगे। ये देखिए फिलिंग बहुत अच्छे से भर गई है बन के अंदर। और अब बन के ऊपर मोज़रेला चीज़ क्रश करके डालेंगे। बन को कढ़ाई में बेक करने के लिए हम लेंगे एक स्टील की रेगुलर प्लेट और इसे एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर देंगे। अगर आपके पास एल्युमिनियम की ट्रे है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। और अब हम प्लेट के ऊपर लगाएंगे बटर, जिससे कि हमारे हॉट डॉग प्लेट पर चिपके ना। हॉट डॉग के चारों तरफ भी अच्छे से बटर लगा देंगे। और अब हॉट डॉग को प्लेट के ऊपर रखेंगे और अब हमारे हॉट डॉग बेक करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कढ़ाई को पहले प्रीहीट करने के लिए। हॉट डॉग को बेक करने के लिए हमें कढ़ाई को प्रीहीट करना रहेगा, जिसके लिए हम कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे हम साधारण नमक। फिर इसके ऊपर एक स्टैंड रख के ऊपर से ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए गर्म करेंगे। अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। और अब हम अपने इस बन को कढ़ाई के अंदर रख देंगे और इसे ऊपर से ढककर लो मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए गर्म करेंगे, या तब तक जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए पहले प्रीहीट कीजिएगा और उसके बाद हमने इस हॉट डॉग को 8 से 10 मिनट के लिए हमें बेक करना है। इसे रखे हुए हमें लगभग 12 मिनट हो गए हैं और ये हमारे बन बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब हम हॉट डॉग के ऊपर गार्निशिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में मेयोनीज भरकर डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो स्पून से भी बना सकते हैं। इसी तरह मैंने टमाटो सॉस को भी पाइपिंग बैग में भर लिया और उससे डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ अंदर से इसकी फिलिंग कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो देखा आपने घर पर भी बिना ओवन के हॉट डॉग बनाना कितना आसान है। तो फिर आप बेकरी से क्यों मंगाना, जब मन करे झटपट घर पर बनाइए और पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले दिखें। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।